मैंने इससे पहले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की क्या बताई थी मेथड बताई थी। तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने की मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही आपको पहले बताई हुई है, लेकिन एसिडिक मीडियम में हमने तब बैलेंस किया था। पर आज हम उसी का सेकेंड पार्ट यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन बेसिक मीडियम में कर रहे हैं। आज हम इसे बेसिक मीडियम में सीखेंगे कि बेसिक मीडियम में कैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस की हुई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना जाए, इसलिए मैं केवल इसको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने लिया है क्षारीय माध्यम में रिडॉक्स अभिक्रियाओं को संतुलित करना, मतलब बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू करेंगे, यानी कि हम जो मेथड ले रहे हैं वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ही है, लेकिन मीडियम हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं बेसिक मीडियम। तो हमने मीडियम चेंज किया हुआ है, तो पहले हमने एसिडिक लिया था, आज हम बेसिक ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है MnO4 2 निगेटिव। ध्यान दीजिए, ये चार्ज यहाँ पे जो 2 निगेटिव है ये ऑलरेडी इस पे प्रेजेंट है, प्लस H2O गिव्स अप MnO4 निगेटिव प्लस MnO2 प्लस OH निगेटिव। तो आपको ध्यान देना है कि ये चार्ज यहाँ पे निगेटिव और OH निगेटिव चार्ज ऑलरेडी गिवन है, और ये जो मैंने बंद किया हुआ है, ये चार्ज जो है ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने भी सिखाया था। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें जिसकी अननोन होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको डिटरमाइन करते हैं। तो MnO4 2 निगेटिव में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हमें पता होती है, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +6, तो +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमने फाइंड की है उसको हम ऐसे गोले में लिख रहे हैं, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये चार्ज हमें ऑलरेडी गिवन है और ये चार्ज हमने निकाला है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हम यहाँ पे H2O की हाइड्रोजन की +1 होगी, ऑक्सीजन की -2 होगी, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब MnO4 में भी ऑक्सीजन की नोन होगी, किसकी डिटरमाइन की गई है, मैग्नीज की। तो मैग्नीज की जो हम डिटरमाइन करेंगे इसकी आती है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और MnO2 में भी हमें ऑक्सीजन की नोन होगी, हम ऑक्सीजन की हेल्प से मैग्नीज की निकालेंगे तो ये आएगी +4। तो इसमें ये +7 है, ये +4 है और ये OH निगेटिव। तो अब हम इसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है LHS में वो +6 है, जबकि RHS में एक जगह +7 है और एक जगह +4 है। तो इसका मीनिंग ये है कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप रिएक्शन है, जिसको हम असमानुपातन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऐसी रिएक्शंस जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और साइमल्टेनियसली उसी का क्या हो, रिडक्शन भी हो। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर एक ही एलिमेंट का हो रहा है उसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहते हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा हो, तो +6 से +7 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। और +6 से इसी मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है +4 स्टेट में, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो हम इसको कहेंगे रिडक्शन, और जहाँ +6 से +7 इंक्रीज हो रही है उसको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है रिडॉक्स रिएक्शन में हाफ रिडक्शन एंड हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। तो हमने आइडेंटिफाई कर ली है, तो हमारा पहला स्टेप होगा बैलेंसिंग में इन हाफ रिएक्शंस को लिखना। तो हम इनको क्या करेंगे, जिसका भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उनको अलग अलग हम लिख लेंगे स्टेप वन में। तो पहला स्टेप यहीं से स्टार्ट होता है। तो स्टेप वन में MnO4 2 निगेटिव का
MnO4 निगेटिव में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, तो इसको पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे, यह ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। हमने टोटल रिएक्शन को दो छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लिया, हाफ रिएक्शंस में बांट लिया है, जिसमें हाफ है ऑक्सीडेशन एंड हाफ है रिडक्शन। तो ये हाफ ऑक्सीडेशन है, अब इसी से हमारा चेंज हो रहा है रिडक्शन के थ्रू MnO2, तो ये एक हाफ रिएक्शन बनेगी। तो MnO42 निगेटिव से MnO2 के चेंज को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो हमने दोनों रिएक्शन को अलग अलग सेपरेटली लिख लिया, ये हाफ ऑक्सीडेशन और ये हाफ रिडक्शन। तो ये हमारा स्टेप है फर्स्ट। अब स्टेप सेकेंड में क्या होगा, स्टेप सेकेंड में हम दोनों रिएक्शन को एक साथ बैलेंस नहीं करेंगे, हम पहले कोई भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में से एक हाफ रिएक्शन को लेंगे और एक एक करके उनको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप टू में ले रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसके हम स्टेप पढ़ेंगे। स्टेप वाइज मैं आपको इसको बताऊँ कि क्या होना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हम क्या करते हैं, बाकी एलिमेंट्स को पहले बैलेंस करते हैं। तो इस वाले में देखें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो यहाँ है नहीं दोनों साइड, ना LHS में ना RHS में, तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बचा हुआ हमारे पास एलिमेंट है मैग्नीज। क्या है, मैग्नीज। तो सबसे पहले मैग्नीज को बैलेंस करेंगे, तो मैग्नीज को बैलेंस करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ भी एक मैग्नीज है और यहाँ भी कितने मैग्नीज हैं RHS में, 1। तो बोथ साइड मैग्नीज के नंबर इक्वल हैं, तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही एज सच रहेगा। अब हम देखते हैं स्टेप टू में, जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी एलिमेंट बैलेंस हो जाएं, तो फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन देखिए, यहाँ 4 ऑक्सीजन है और यहाँ भी कितने ऑक्सीजन है, 4। तो दोनों ओर ऑक्सीजन के नंबर क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये भी ऑलरेडी बैलेंस है, इनको भी हम बैलेंस नहीं करेंगे, ये भी एज सच ऐसे ही उतरेगा जैसे था। तो इसलिए हमने इसको स्टेप टू में बैलेंस किया है, तो MnO4 यहाँ भी वही है, MnO4 यहाँ भी वही है, तो दोनों ऐसे ही उतर जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी दोनों ही बैलेंस्ड हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हाइड्रोजन के स्टेप को हम छोड़ देंगे। जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो जाते हैं, इसके बाद हम बैलेंस करते हैं चार्ज को। तो यहाँ पे हम चार्ज अगर देखेंगे, तो LHS में हमारे पास 2 निगेटिव चार्ज है, कितना चार्ज है, 2 निगेटिव, और RHS में देखें तो हमारे पास है 1 निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे 2 निगेटिव है और यहाँ पे 1 निगेटिव है, तो हम पहले ये कंफर्म करेंगे कि किस ओर कितने चार्ज की कमी है। तो देखिए, इस तरफ 2 निगेटिव है, इस तरफ 1 निगेटिव है, तो ऑब्वियसली इधर 1 निगेटिव चार्ज की कमी है, क्योंकि यहाँ 2 निगेटिव है, इधर एक ही है, तो इसको भी 2 निगेटिव करने के लिए हम RHS में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे चार्ज 2 निगेटिव लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ ऐड करेंगे। तो जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, तो 1 निगेटिव एंड 1 निगेटिव हो जाएगा 2 निगेटिव, और यहाँ ऑलरेडी 2 निगेटिव प्रेजेंट हैं, तो दोनों ओर चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ये हमारी फर्स्ट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो ये है, यहाँ भी एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, यहाँ भी मैग्नीज 1 है, RHS में भी 1 मैग्नीज है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, निगेटिव चार्ज यहाँ 2 निगेटिव है, यहाँ 1 निगेटिव है। तो 1 निगेटिव को बैलेंस करने के लिए हमने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये भी निगेटिव निगेटिव कितना हो जाएगा, 2 निगेटिव, तो बोथ साइड चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो ये हमारी पहली हाफ रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। सेम स्टेप हम यूज करेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए। अब हम रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे इन्हीं स्टेप्स में, तो देखिए कैसे। ये मैंने स्टेप थर्ड में ले लिया, तो स्टेप थर्ड में MnO42 निगेटिव गिव्स अप MnO2, ये हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, तो इसको हम दोबारा यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ भी हम पहला स्टेप वही लगाएंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के
बाकी एलिमेंट को पहले बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के हमारे पास बाकी एलिमेंट क्या है, मैग्नीज। तो LHS में भी मैग्नीज 1 है, RHS में भी मैग्नीज 1 है, तो दोनों ओर मैग्नीज के नंबर क्या हैं, इक्वल है। फिर बारी आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को देखिए सेकेंड नंबर पे, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ कितने हैं, 2। तो ऑक्सीजन के नंबर में डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस को हम क्या करेंगे, पहले कवर करेंगे। तो देखिए इधर 4 है इधर 2 है, तो कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो हम क्या करते हैं, जिस ओर ऑक्सीजन की जितनी कमी होती है उस ओर बेसिक मीडियम के लिए हम उतने ही OH नेगेटिव आयन जोड़ देते हैं। तो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो कमी किस ओर है, RHS में। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ तो ऐसे ही उतार देंगे, यहाँ MnO2 भी ऐसे ही उतरेगा, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो 2 ऑक्सीजन की कमी के लिए हम बेसिक मीडियम में ऐड कर देते हैं 2OH नेगेटिव चार्ज। क्या बेसिक मीडियम के लिए 2OH नेगेटिव चार्ज, अगर 3 ऑक्सीजन की कमी होती तो 3OH जोड़ते, 4 की कमी होती तो 4 जोड़ते, फिलहाल 2 ऑक्सीजन की कमी है, डेफिशियंसी है, तो उसको पूरा करने के लिए हम RHS में 2OH नेगेटिव को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब हम 2OH नेगेटिव ऐड कर लेंगे, फिर हम करेंगे हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस। तो देखिए LHS में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, RHS में कितने हाइड्रोजन हैं, 2, तो ट्वाइस OH में 2 हाइड्रोजन है और यहाँ एक भी नहीं है, तो कमी किस तरफ है, LHS में, तो LHS में एक भी हाइड्रोजन नहीं है और RHS में कितने हैं, 2, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम में उतने ही मॉलिक्यूल H2O को ऐड करते हैं जितने हाइड्रोजन की कमी होती है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम LHS में 2H2O ऐड करेंगे। तो 2H2O क्यों किए, क्योंकि इस तरफ 2 हाइड्रोजन की कमी है और इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो इक्वल करने के लिए हम LHS में भी 2H2O को ऐड करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो हमने अगले स्टेप में MnO42 नेगेटिव में LHS में क्या जोड़ दिया, 2H2O को हमने ऐड कर दिया और यहाँ जो था वैसे का वैसे ही रहेगा। इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, जैसे ही हम वाटर ऐड करते हैं तो ऑक्सीजन के नंबर फिर से डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो उनको हम फिर से बैलेंस करेंगे। तो देखिए कैसे, गिन लेते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 4 ये हैं, 2 ये हैं, तो कितने हो गए, 6, और यहाँ देखें तो 2 और 2 कितने हैं, 4, तो किधर कमी है, यहाँ 6 ऑक्सीजन है अभी भी और यहाँ 2 and 2 कितने हैं, 4 ऑक्सीजन, तो इस तरफ 2 ऑक्सीजन की अभी भी क्या है, डेफिशिएंसी है, कमी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन जिस तरफ कम है उधर 2 OH नेगेटिव को और ऐड करेंगे, तो LHS में ज़्यादा है RHS में कम है, तो ये अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या है, LHS में 2H2O हमने ऐड किया तो यहाँ इस तरफ 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो 2 ऑक्सीजन की कमी को फिर से कंप्लीट करने के लिए हम 2OH नेगेटिव एक्स्ट्रा यहाँ और जोड़ेंगे, क्योंकि 2OH हमने पहले से जोड़ा हुआ था, 2 ऑक्सीजन और कम हो रहे हैं, तो 2 ऑक्सीजन के लिए हम फिर से 2OH नेगेटिव को ऐड करेंगे फर्दर RHS में। अब यहाँ देखिए MnO4 नेगेटिव ऐसे ही उतरेगा, 2H2O ऐसे ही उतरेगा, MnO2 ऐसे ही उतरेगा, बट 2OH एंड 2OH ये OH नेगेटिव ऐड हो जाएंगे, तो 2 and 2 कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे MnO42 नेगेटिव प्लस 2H2O गिव्स अप MnO2, 2 and 2 कितना हो जाएगा, 4OH नेगेटिव। तो ये हमारी रिएक्शन आ चुकी है। अब एक बार हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैग्नीज यहाँ 1 है, यहाँ भी कितना है, 1 है, ऑक्सीजन 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, कितने हो गए, 6, इधर भी 4 ये हैं और 2 ये हैं, कितने हो गए, 6, हाइड्रोजन 2 2s 4 हैं और यहाँ भी कितने हैं, 4, तो इस तरीके से हमारे एटम्स रिएक्शन में बैलेंस हो चुके हैं। अब हम इसका चार्ज बैलेंस करते हैं, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं, इस तरफ 2 निगेटिव चार्ज है, इस तरफ 2 निगेटिव चार्ज है, इस तरफ 4 निगेटिव चार्ज है, ये 4 है तो 4 निगेटिव चार्ज है, तो 4 निगेटिव चार्ज
टू निगेटिव से कितना ज़्यादा है, दो ज़्यादा है, तो इसका मतलब एल एच एस आर एच एस में चार्ज का डिफरेंस कितना हो गया, दो का हो गया। तो जिस तरफ कमी होती है उस तरफ हम उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एल एच एस में एम एन ओ फोर टू निगेटिव प्लस टू एच टू ओ, और कितने चार्ज की कमी थी, दो की, क्योंकि उस तरफ चार निगेटिव हैं और यहाँ कितने निगेटिव हैं, दो। तो हम एल एच एस में दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और इधर हम वैसे का वैसा ही उतार देंगे। तो ये हो जाएगा एम एन ओ फोर टू निगेटिव प्लस टू एच टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स अप एम एन ओ टू प्लस फोर ओ एच निगेटिव। तो ये हमारी रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो चुकी है, हम इसमें एटम एंड चार्ज दोनों बैलेंस कर चुके हैं। तो ये इक्वेशन नंबर वन जाएगी टू। तो इक्वेशन नंबर वन है ये, इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी ये। अब हम क्या करेंगे, जब हमने दोनों हाफ रिएक्शंस को अलग अलग सेपरेटली हमने इनको बैलेंस कर लिया है, अब हम इनको ऐड कर देंगे। बट ऐड करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन वन ये है, इक्वेशन वन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर वन है, और इक्वेशन टू ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं, टू। तो हम पहले एक काम करेंगे, इनको जोड़ने से पहले हम इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को बैलेंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, और टू से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन टू के साथ हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमें फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने लिखा हुआ है इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, फिर उसको इक्वेशन टू में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखनी है, केवल इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन वन को टू से, तो ये हो जाएगा टू एम एन ओ फोर टू निगेटिव, ये रहा टू एम एन ओ फोर टू निगेटिव गिव्स अप टू एम एन ओ फोर निगेटिव, टू एम एन ओ फोर निगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन भी टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू इलेक्ट्रॉन। और इक्वेशन टू को लिखेंगे जो हमें यहाँ ऑब्टेन हुई थी, तो ये है एम एन ओ फोर टू निगेटिव प्लस टू एच टू ओ प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स अप एम एन ओ टू प्लस फोर ओ एच निगेटिव, क्योंकि हम नीचे वाली इक्वेशन टू को किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उसको एच सच वैसे ही उसके नीचे हम उतार लेंगे। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको कैंसिल आउट कर देगा, एल एच एस में है और एक आर एच एस में है। बाकी ये है टू एम एन ओ फोर टू निगेटिव, ये है एम एन ओ फोर टू निगेटिव। ध्यान दीजिए दोनों पे चार्ज क्या है, इक्वल है, दोनों सेम स्पीसीज हैं, तो दोनों ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों एल एच एस में हैं, एक ही साइड है तो जुड़ जाएंगी। तो टू एम एन ओ फोर एंड वन एम एन ओ फोर कितना हो जाएगा, थ्री एम एन ओ फोर टू निगेटिव, क्योंकि दोनों पे चार्ज क्या है, सिमिलर है, प्लस टू एच टू ओ ये एल एच एस में उतरेगा, गिव्स अप आर एच एस में, यहाँ पे ये वन निगेटिव चार्ज है, अगर ये भी टू निगेटिव होता तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाता, बट चार्ज डिफरेंट होने की वजह से ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये आर एच एस में ऐसे ही एच सच उतर जाएगा, टू एम एन ओ फोर निगेटिव प्लस एम एन ओ टू प्लस फोर ओ एच निगेटिव। तो ये हमें जो ऐड करने के बाद इक्वेशन ऑब्टेन हुई है, यही हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो थ्री एम एन ओ फोर प्लस टू एच टू ओ गिव्स अप टू एम एन ओ फोर प्लस एम एन ओ टू प्लस फोर ओ एच निगेटिव, यही हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो आपको समझ आ गया होगा मैंने कैसे इसको बैलेंस किया। तो आप भी बहुत सारे एग्जांपल लेके इसी मेथड से बाकी रिएक्शंस को भी इजीली बैलेंस कर सकते हैं।